उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा 2019 बैच के 9 प्रोन्नत 520 में से 76 नायब तहसीलदारों का 3 दिवसीय मासिक परीक्षा असुरन स्थित मंडलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय में कराया गया। आपको बता दें कि 76 नायब तहसीलदार का आधारभूत प्रशिक्षण 15 जुलाई से 31 अगस्त तक हुआ है, जिनकी मासिक परीक्षा कराएगी। जिसके संबंध में तहसीलदार चौरी चौरा नीलम तिवारी ने बताया कि 2019 बैच के 520 नायब तहसीलदार पद पर प्रोन्नत होकर आरआई तथा सीधी भर्ती से नायब तहसीलदार आए थे, जिसमें से 76 नायब तहसीलदार का प्रशिक्षण असुरन स्थित मंडलीय राजस्व शिक्षा विद्यालय पर किया जा रहा है, जिसमें फाउंडेशन कोर्स और वेबसाइट प्रशिक्षण 15 जुलाई से लेकर 31 अगस्त हुआ है, उन्हीं की मासिक परीक्षा कराई जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए तहसीलदार चौरी चौरा नीलम तिवारी ने कहा, जी ये 2019 बैच के जिन 520 नायब तहसीलदारों का नायब तहसीलदार पद पर प्रोन्नत होकर के आरआई और कुछ सीधी भर्ती से नायब तहसीलदार आए थे, उनका 76 नायब तहसीलदार के प्रशिक्षण यहाँ प्रशिक्षण विद्यालय असुरन पे किया जा रहा है। उन्हीं की मासिक परीक्षा फाउंडेशन कोर्स और व्यावसायिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम था, जिसमें फाउंडेशन कोर्स समाप्त हो चुका है जो 15 जुलाई से लेकर के आपका ये 31 अगस्त तक था, और उसी का ये मासिक एग्ज़ाम हो किया जा रहा है। कितने लोग इसमें शामिल हैं? जी इसमें 76 नायब तहसीलदार हैं जो शामिल हैं, जिसमें कि 2 नायब तहसीलदार जो हैं वो मातृत्व अवकाश पे हैं।